कतर से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों। न्यूज आप पढ़ने के बाद आप देखोगे, बोलोगे, सोचोगे, समझोगे कि कतर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्पेशली जो लोग कमाने गए हुए हैं, खासकर इंडिया वाले, पाकिस्तान, नेपाली, बांग्लादेशी, इजिप्ट वाले जो एक्सपेक्ट लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर और ज़्यादा बढ़ेंगे, वो भी इसी साल से शुरू हो जाएगा। अब से शुरू है, कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन किस तरह वो भी हम देख लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है दोस्तों, जो कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में जो 2022 में होना है, उससे पहले शुरू होगा टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट में 22 टीम भाग लेगी, सब मेन होगी दोस्तों, और मेन टीमें भाग लेगी इसमें अरब नेशन के देश होंगे, उसके अलावा अफ्रीका के देश होंगे, और उसके बाद एशिया के देश होंगे। ऐसे 22 टीमें भाग लेगी, भाग ये सब कतर 2022 के स्टेडियम में, जो कतर 2022 का वर्ल्ड कप होना है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप होना है, जिस स्टेडियम में, ऐसे 6 स्टेडियम, उन सभी स्टेडियम में खेले जाएंगे मैच। अब आप बात करेंगे किस तरह रोजगार के अवसर पूरे शुरू होंगे दोस्तों। ये वर्ल्ड कप शुरू होंगे 2022 में, लेकिन उससे पहले फीफा वर्ल्ड कप से पहले तैयारी के चलते 22 टीमें आ रहेंगी, 22 टीमों के रहने, उठने, बैठने, खाने, उसके बाद स्टेडियम में लोग जाएंगे, स्टेडियम में आप ले जाएंगे, स्टेडियम में आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और एक तरह से नहीं, तीसरे तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, सभी तरह के रास्ते खुले हुए हैं। आप बाद में पछताना मत, कतर में रहते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलेंगे, बड़े बड़े देश आएंगे, चका चौंध रहेगा चारों तरफ, लेकिन आप ध्यान रखना, आप गए हो वहाँ पैसे कमाने के लिए, और पैसे ही कमाना, वो भी लीगल तरीके से, चाहे कुछ भी करना पड़े, कानून के दायरे में रहकर, कतर के कानून के दायरे में, हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर जो भी करना पड़े आप सभी काम करना, और पैसे कमाना, बिल्कुल तनतोड़ मेहनत करना, बिल्कुल फिजिकली फिट रहो, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहो, फेस मास्क पहन के रखो, एक दूसरे से दूरियां बना के रखो, और जो वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां चल रही हैं, जो रोज़गार के अवसर बन रहे हैं, नए नए मज़दूरों की, लेबर की ज़रूरत पड़ी है, सभी जगह अपनी हिस्सेदारी को दर्ज करवाएँ। फिलहाल इतना ही, वीडियो को ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।